Hello student, we are providing sentential online classes as we are working from home. Today I will discuss class 11th chemistry chapter 1 some basic concept of chemistry and today topic is precision and accuracy. Now I will discuss here precision. The term precision refers to the closeness of the set values obtained from the identical measurement of a quantity. नाव एक इट रेफर्स टू द क्लोजनेस ऑफ ए सिंगल मेजरमेंट टू इट्स ट्रू वैल्यू नाव यू सी व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन प्रिसीजन एंड एक एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस टू टर्म प्रिस एंड एक जैसा कि आप जानते हो कि प्रिसीजन क्या है प्रिसीजन द टर्म टर्म प्रिसन रेफर टू द क्लोजनेस ऑफ द सेट वैल्यूज ऑप्टेंड फ्रॉम द आइडेंटिकल मेजरमेंट ऑफ क्वान्टिटी नाव यू सी है इफ आई विल टेक हेयर द एग्जाम्पल देखो हमने एक एग्जाम्पल लिया है उसमें क्या है कि एक वायर का जो लेंथ है वो है। ये टू सेंटीमीटर है यह ट्रू वैल्यू है जो कैल्कुलेटेड वैल्यू निकाला गया है यह ट्रू वैल्यू क्या है टू पॉइंट जीरो ज़ीरो सेंटीमीटर एक वायर का हमने लेंथ मेजर किया अब इस वायर को मेजर करने के लिए हमने थ्री डिफरेंट स्टूडेंट को लगाया कि आप उसको मेजर करके बताओ तो थ्री डिफरेंट स्टूडेंट ए बी सी है जिसने अलग अलग मेजरमेंट किया इसका तो तीनों स्टूडेंट दो दो बार टू टाइम्स जो है सो so मेजरमेंट करता है और एक एवरेज वैल्यू निकालता है अब आप देखो फर्स्ट स्टूडेंट क्या कर रहा है उसका जो मेजरमेंट है वो है वन पॉइंट एट जीरो फर्स्ट टाइम जब वो मेजर करता है तो वन पॉइंट एट जीरो एंड दूसरे ही टाइम्स क्या हो रहा है वन पॉइंट एट टू अब ये मेजरमेंट आ रहा है ये मेजरमेंट जो डिफरेंस आ रहा है इसका अलग ये किससे हो सकता है या तो जो कैलकुलेट करने वाला है उसका स्किल सही नहीं है वो प्रॉपर कैलकुलेट नहीं कर पा रहा है मेजरमेंट नहीं कर पा रहा है शायद इसलिए एरर आया होगा या फिर हो सकता है जिस इंस्ट्रूमेंट को वो यूज कर रहा है उसी में एरर रहा हो कुछ भी हो सकता है लेकिन उसने मेजरमेंट करके देखा कि फर्स्ट वैल्यू आ रहा है उसका क्या वन पॉइंट एट जीरो और दूसरा वैल्यू जो है वो वन पॉइंट एट टू आ रहा है तो ये दोनों जो मेजरमेंट है जो उसने फर्स्ट और सेकेंड मेजरमेंट लिया है वो काफी क्लोज है एक दूसरे से और जो इसका एवरेज वैल्यू आया है वो वन पॉइंट एट वन आ गया तो यदि आप देखें तो ये दोनों मेजरमेंट जो है वो क्या है काफ़ी क्लोज है लेकिन जो एवरेज वैल्यू है वो ट्रू वैल्यू से काफ़ी डिफरेंस रख रहा है ये ट्रू वैल्यू के के करीब नहीं है अप्रॉक्स नहीं है ये अप्रॉक्स नहीं है दैट मीन्स एक्यूरेसी तो नहीं है मतलब ए व ए जो स्टूडेंट है उसने जो मेजरमेंट किया है वायर का वो क्या है आपका एक्यूरेट तो नहीं है उसको एक्यूरेसी तो नहीं पाया उसने उसमें कोई भी एक्यूरेसी नहीं है क्योंकि ट्रू वैल्यू से वो काफ़ी डिफरेंस रख रहा है लेकिन दोनों मेजरमेंट में उसका जो डिफरेंस था वो बहुत ही कम है नेग्लिजिबल डिफरेंस है दोनों काफ़ी क्लोज मेजर किया है उसने 1.80 एंड 1.82 तो हम ये कह सकते हैं कि ये प्रिसाइज तो है लेकिन एक्यूरेट नहीं है मीन्स ये जो है वो क्या है प्रिसाइज वैल्यू है बट एक्यूरेसी नहीं है ए के मेजरमेंट में अब हम सेकेंड का देखते हैं बी का बी ने क्या किया है जो मेजर किया है वो है टू पॉइंट वन जीरो और सेकेंड टाइम जब उसने मेजर किया तो वैल्यू पाया वन पॉइंट नाइन जीरो यहाँ पर आप देखो दोनों जो एक्सपेरिमेंट उसने किया है इसमें क्या है जो दोनों वैल्यू उसका आया है उसमें लार्ज गैप है लार्ज गैप है कोई क्लोजनेस नहीं है दोनों के बीच में कोई क्लोजनेस नहीं है एक है टू एक है वन पॉइंट नाइन ये बहुत ही ज्यादा डिफरेंस मतलब बहुत ही ज्यादा एरर रख दिया उसने और जो एवरेज वैल्यू आया वो क्या कर गया ट्रू वैल्यू से मैच कर गया मीन्स बी का जो मेजरमेंट है वो क्या है एक्यूरेसी तो है लेकिन प्रिसाइज वैल्यू नहीं है दिस इज नॉट प्रिसाइज बट एक्यूरेट अब यदि हम सी में जाएं तो सी का हम क्या देख रहे हैं कि सी ने जो मेजरमेंट किया है वो फर्स्ट मेजरमेंट वैल्यू आया था 1.99 एंड सेकेंड मेजरमेंट इज 2.01 पॉइंट जीरो वन सो बोथ वैल्यू क्या है काफी क्लोज है एक दूसरे का 1.99 एंड 2.01 पॉइंट जीरो वन ये काफी क्लोज वैल्यू जो दोनों मेजरमेंट है वो क्लोज है और दोनों का जो एवरेज है वो क्या है वो ट्रू वैल्यू से मैच कर रहा है दैट मीन्स सी का जो मेजरमेंट है वो प्रिसाइज भी है और एकूरेट भी है फिर से एक बार आप ट्राई करो समझने का जो प्रिसीजन एंड एक्यूरेसी जो दो टर्म है ये है क्या एक्चुअली एक्यूरेसी जो होता है वो क्या होता है डिग्री ऑफ क्लोजनेस कि किसी भी मेजरमेंट वैल्यू के कितना क्लोज आप पहुंच सकते हो जैसे यदि लेंथ ऑफ वायर यदि टू सेंटीमीटर है तो यदि कोई पहुंचता है कोई मेजर करता है वन पॉइंट एट तो क्या है ये क्लोज नहीं है ये टू टू पॉइंट से टू सेंटीमीटर से काफ़ी गैप रह गया मतलब ये क्लोज नहीं है जितना ज़्यादा हम क्लोज जाएंगे वो क्या कहलाएगा उतना ही एक्यूरेसी कहलाएगा जैसे यदि फॉर एग्जाम्पल हम ले लें सपोज करो कि एक ने मेजरमेंट किया होता कि टू वैल्यू क्या था टू पॉइंट जीरो ज़ीरो सेंटीमीटर एक स्टूडेंट ने यदि मेजर किया होता वन पॉइंट नाइन नाइन सेंटीमीटर और दूसरे का एवरेज वैल्यू आता वन पॉइंट नाइन वन तो इस दोनों में क्या था ये जो वन पॉइंट नाइन नाइन था ये ज़्यादा क्या था क्लोज था ट्रू वैल्यू का मीन्स इसमें ज़्यादा एक्यूरेसी है और जो आपका दिख रहा है वन पॉइंट नाइन वन ये क्या है ये भी क्लोज वैल्यू तो है लेकिन इससे कम क्लोज़ वैल्यू है मतलब इसमें लेस एक्यूरेसी है ये डिफरेंस होता है एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन में तो ए का क्या था कि दो जो एक्सपेरिमेंट उसने जो किया दोनों काफी क्लोज वैल्यू रहा लेकिन जो एवरेज वैल्यू था वो ट्रू वैल्यू से काफी गैप था तो ये क्या था आपका प्रिसाइज वैल्यू तो है लेकिन वो एक्यूरेसी नहीं था सेकेंड का क्या था कि लाभ काफ़ी गैप है दोनों एक्सपेरिमेंट में इसमें टू पॉइंट वन जीरो है और इसमें वन पॉइंट नाइन ज़ीरो है तो इसमें काफ़ी गैप है तो ये प्रिसाइज वैल्यू नहीं कहलाएगा क्योंकि जो एक्सपेरिमेंट उसने किया है उसमें दोनों के बीच में काफ़ी गैप रह गया लेकिन दोनों का एवरेज वैल्यू जो आया है वो आपका ट्रू वैल्यू से मैच कर रहा है तो एक तो है लेकिन प्रिसाइज वैल्यू नहीं है और यदि सी का देखा जाए तो उसमें क्या है दोनों एक्सपेरिमेंट में काफ़ी क्लोजनेस है इसका मतलब ये दोनों क्लोज है जब तो इसका मतलब ये दोनों प्रिसाइज वैल्यू है और साथ ही साथ जो एवरेज वैल्यू है वो टू वैल्यू से मैच कर रहा है दैट मीन्स क्या है ये सी जो स्टूडेंट है उसका क्या है आपका प्रिसाइज वैल्यू भी है और एक्यूरेसी भी है थैंक यू